आज हमारे ममतू आ गई है घर पर और ममता से मिलने के लिए मेरी सखिया भी आई है। तो चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। सबसे पीछे लोग माँ के मिलने, ठीक है, तो दूर जाएंगे वीडियो बनाने से मिलना। और यहाँ पे लगा हुआ है काउ शेड का काम। तो पहले तो शायद यहाँ पे पशु बांधने होंगे और ये हमारे जेठ जेठानी जी बना रहे हैं काउ शेड। तो बाद में शायद कमरे वगैरह कुछ बनाने होगा, कोई पता नहीं। फिर अभी काउ शेड ही बन रहा है मतलब फिलहाल के लिए। और यहाँ पे इन्होंने ना गाने लगा रखे थे इसलिए मैंने यहाँ से आवाज़ को म्यूट कर दिया। और ये जो थोड़ा सा वीडियो है ये है थोड़े से दिन पहले का। अब ये जिनाई ना कम्प्लीट होगी आजकल, तो आजकल चला हुआ शेटरिंग का काम, ये शायद दो चार दिन पहले की है। और देखो रंजीत इट्टे की ढुलाई कर रहा है और बहुत शौक रखता है वीडियो में आने का। आजकल ना कौ बहुत कट मिलू है देखने जो काओ। पहले पता क्या बोलो थे सुनो भाई, काओ आना ना तेस बैठना छत्ता ऊपर, फिर बोलना भाई उड़ भाई काओ, आज मेहमान आना जे का उड़ के तो सोचना मेहमान आना, अगर नहीं उड़े तो बोलना आई नहीं आना नहीं। ता जी फोन नार जमाने नहीं होंगे थे ना ताणो थे, ये बिना बचा कदर कर कम हुई। काओ का 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 का। और अभी हम चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद मुझे जाना है प्याज वाले खेत में घास निकालने के लिए। और पंकज के पापा जी ग्रिल बना रहे हैं लोगों की, तो मतलब अपने यहाँ पे बनाते हैं और जिसकी भी होती है ना वहाँ पे एडजस्ट करने फिर चले जाते हैं, पर बनाकर तैयार करके ना घर से देते हैं। अगर कोई सामान लाए और अपने घर पर बनवाना चाहे ना तो वैसा काम भी कर लेते हैं, पर ज़्यादातर ये घर पर ही बनाते हैं। और अभी हम चाय पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ मेरी चाय यहाँ पे। और एक चाय मैं और ले आई हूँ जो बिहार से रणजीत है ना, वो भी उनको भी बोला था चाय पीने के लिए पर अभी आया ही नहीं। वो बोल रहा था कि मैं हथौड़ा देकर आता हूँ काम वालों के पास, अब आया ही नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। दो जोड़ी आ रही है ऐसे, दूजा उड़ी गया, ये भी उड़ी गया। काफी दिन बाद आया काव ब्लॉग बनाने हथर, और अचानक ना मेरे हाथ में फोन भी था इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया। ममता आई है ना उसने मेरे को नेल पेंट लगा दिया, देखो मैं लगाती हूँ ऐसे हाथ में क्योंकि मेरे नाखून ही नहीं है नेल पेंट लगाने लायक, तो आज ममता ने लगाया है दोनों हाथों में लगा दिया। ऐसे मैं लगाती हूँ, दूसरे में भी लगाया है, एक मिनट और मेरे हाथ के नाखून भी साफ किए, पर ऐसे में ना काले काले जैसे हो गए क्योंकि अनार के दाने खा रही थी मैं, उससे हो गया ऐसे काले काले। और ये नाखून यहाँ से मतलब इनको अच्छी सेफ दी है, ऐसा ना मेरे काम कर करके नाखून भी टेढ़े मेढ़े हो गए थे मेरे, क्योंकि काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं अपने ऊपर नहीं करते इतना ज़्यादा फोकस। आ गई हूँ अपने खेतों में और बेड़ मैंने निकाल दिया है पेड़ों से, और पंकज के पापा जी आएंगे ना वो ले जाएंगे बकरे के लिए बांधना है बेड़। बेड़ सिर्फ थोड़े से ही बचे वो बकरे के लिए रखे हैं और पशुओं के लिए हरी घास हो गई है। और जो हमारी कणक है ना उसमें भी द्रोड़ा वगैरह हो गया है, जो हरी घास होती है उसको हम द्रोड़ा बोलते हैं। और जो हमने प्याज लगा रखा है उसमें भी वो हरी हरी घास है ना वो लंबी लंबी हो गई, अब निकालूंगी मैं इसको और ये निकालने लायक भी हो गई है। यहाँ पे हमने जवी बीज रखी है स्पेशल पशुओं के लिए, इसलिए आजकल ना पशुओं के लिए बीज नहीं देते बकरे के लिए रखे हुए। और ये आधा खेत है जवी का, और जिस खेत में हमने पानी निकाल रखा है वहाँ पे बरसीन बीज रखी है। और अभी टाइम ना 5 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट बचे हैं 5 बजने के लिए, और अभी भी बहुत ज़्यादा दिन है क्योंकि अपना दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब 6 से 7 बजे तक बिल्कुल सवेरा सवेरा जैसा रहेगा। और पंकज के पापा जी आ गए हैं बकरे का बीज लेने के लिए, और इतना ये ले जाएंगे कटा हुआ भी कुण जवी हाँ बाटनी है, पहले हम इतना निकाल लो ना। सुनो ना मैं दराटी लेंद्री मैं दराट लिया भी हूं निकाल और इतनी रखा ठीक है।
और हम क्या बोलते ना मुन्नी आई जाएंगे ना छोड़ ते बेड़ा करना भाई दराटी और दाल दे देंगे सही मुंडे तो यहाँ पट्टू देख कितना हाँ ठीक है सारे। और हमने ना सिकाई की थी पहले तो हमारी गेहूँ ना ठीक है मतलब लंबाई भी ठीक है और इसमें जो गेहूँ का सिल्ला बोलते हैं ना वो भी ठीक है बड़ा बड़ा जैसा सिल्ला देखो ये देखो तोते भी आ गए पर कई चिल्लाया करे दराट ले जाओ दराटन में क्या मुझे दराटी चाहिए आऊंगी तो दे दियो देखा क्या नहीं आऊंगी तो आई जानी चाहिए पर हाँ टाइम तो लगो यार तुम हम तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब जो भी कागज वगैरह होते हैं ना उनको इकट्ठे करने के लिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आजकल लोकमित्र केंद्र में भी बहुत ज़्यादा रस पड़ा हुआ है क्योंकि 1500 के चक्कर में सभी लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं तो मैंने तो कर दिया अपना कंप्लीट और जो हमारा बोनाफाइड होता है ना वो अप्लाई कर दिया है मैंने पिछले कल अब आगे का जो भी थोड़ा बहुत काम रहा होगा उसको करेंगे फिर बाद में तो साथ साथ में ना हमें खेती बाड़ी का काम भी करना होता है और शाम के टाइम आज हमें दिख रहा है शायद वहाँ पे है आज फंक्शन वहाँ पे देवता जी आएंगे वहाँ पे जाना है हमें आज और वहाँ का जो भी भजन कीर्तन रहेगा मतलब भजन कीर्तन की जो भी वीडियो होती है ना वो आपको सखी ग्रुप चैनल पे मिलेगी तो जिन जिन्होंने ना सखी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और सखी ग्रुप चैनल को भी आप उतना ही सपोर्ट करना जितना आप मुझे इस चैनल पे कर रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर हम जब चलेंगे ना तब थोड़ा सा शूट करेंगे अभी मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि फिर शाम हो जाएगी अभी फंक्शन के लिए मतलब वहाँ पे ना शाम को जाना है शायद 7:15 या 6:30 बजे ऐसे कुछ जाएंगे पशुओं का काम कर निपटाने के बाद ना पशुओं का पूरा काम निपट जाने के बाद तब जाएंगे हम वहाँ पे। तो अब मैं एक जितने भी क्यारे हो गए एक होगा दो हो गए या तीन हो गए सारे तो कहाँ हो गए ना तो एक दो तो मैं निकाल ही दूँगी और तो चलो मैं लग पड़ती हूँ अपने काम पे। तो 11:11 करते करते ना शाम हो गया हमारे को और हमारे को हो गया है वहाँ फंक्शन में जाने का टाइम। ममता भी आई है यहाँ जो मैं ना उखाड़ कर रही थी वो ममता ने ना दराटी से काट दिया आगे से और एक टोकरा ये हो गया है और थोड़ा सा घास हमने इस तरफ कर दिया है यही क्यारा हुआ हमारे। मैं सोच रही थी कि दो कर देना हमने तो ये वाला ही क्यारा हुआ परे तक जाकर। और ये जो कणाव होता है ना और भी बोलते हैं इसको कुछ और क्या बोलते हैं इसको कुछ मेरे हाथ गंदे ममता ने भी मेहनत की मेहनत कुछ नहीं इसने सिर्फ घास ही काटा दराटी से आगे से जो मिट्टी होती है ना उसमें वो वाला। और अब चलते हैं घर पर तो दूध निकालने वाला पशु कोई भी नहीं है और देवता भी आगे देखो ना आपको आवाज़ आ रही होगी वो देखो है ना। तो चलो अब चलते हैं फटाफट से पहुंच गई हूँ अपने किचन में और किचन पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और मुझे बनाना है दलिया। तो दलिया बनेगा शुद्ध घी में तो ये भी होकर रखा था मैंने दलिया अभी जब मैं खेत से आई थी ना तब भी गोया था जल्दी से मुझे थोड़ा सा दलिया बनाना है। और ये दलिया किसके लिए ले जा रही हूँ मैं ये भी मैं आपको बताऊँगी पर पहले ना मैं बना लेती हूँ और इसको बनाने में ना आधा से 1.25 घंटा लगेगा तो जितने को दलिया बनेगा ना उतने अपने छोटे मोटे काम निपटा कर फिर चलते हैं जल्दी से क्योंकि वहाँ अंधेरा तो हो ही गया है बाहर देखो हल्का फुल्का सा तो हमें जाना है धूप बत्ती करने के बाद। और धूप बत्ती का जो काम है शाम का वो होती है 7:15 बजे के बाद तो 7:30 या 8:15 बजे निकलना होगा हमें यहाँ से उतने को अंधेरा भी हो ही जाएगा। और ये दलिया मैं बना रही हूँ स्पेशल क्योंकि हमें तो भोजन वहीं पे खाना है जहाँ पे देवता की यात्रा है। तो चलो ये मैं बाद में करती हूँ पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो तैयार हम हो गए हैं और ये वाली सूट डाल रखी है मैंने आज कोटी नहीं डाली आज जैकेट डाली है क्योंकि ठंड ना कम हो गई है और हमारा दलिया भी बनकर तैयार हो गया और जल्दी से चलते हैं यहाँ पर और जिनके लिए हम दलिया ले जा रहे हैं उनसे भी मिलाएंगे आपको सीधा सिर्फ उन्हीं के घर पर मिलेंगे क्योंकि रास्ते में अंधेरा है ना। तो पहले मैं दलिया का टिफिन भर लेती हूँ। ये हमारे मिस्त्री जी का घर और ये थोड़े ना बीमार हो गए पंकज की शादी के बाद तो इनके ले आई हूँ मैं दलिया। और मैं दिन को आई थी यहाँ तो मुझे ना इनकी तबीयत खराब लगी तो मैंने बोला था कि मैं दलिया लेकर आऊंगी। पंकु ममता आज जमाना
लाओ बोलना था ना मैं देने सुन दे यार ना जा दे मैं तो मीठा जा जे आइए पार जाऊ से पहले ना ये चले मैं बोलना था पहले रह जाना मैं जो ले बे चल ले बंद